तो हेलो गाइस, बात करने वाले हैं ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीट्रॉप लिमिटेड के बारे में। ये शेयर का नाम है, आप थोड़ा देख लेना। ये शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, 85-86 रुपये में स्टॉक का प्राइस मिल रहा है। कल के दिन यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 12% की अपर सर्किट कंपनी भागा है। क्या इस शेयर को अभी खरीदना चाहिए? क्या इसका फंडामेंटल है? क्यों इतना तेजी देखने के लिए एक दिन में मिला है? और ये शेयर क्या शॉर्ट टर्म में 100 तक जाएगा या उससे ज़्यादा जाएगा? पूरा डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एनालिसिस वीडियो आपको पर डे देखने के लिए मिल जाएगा। मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। 54% की ओवरऑल डाउनफॉल है। कंपनी 2006 में लिस्टिंग हुआ था 187 करके, और ये कंपनी 282 तक गया था। उसके बाद गिरकर हो गया 9 रुपये। उसके बाद फिर से गया करीबन 200 तक। उसके बाद कोविड के टाइम में गिरावट हुआ, कंपनी आ गया 37 रुपीज तक। उसके बाद अभी फिर से बाउंस बैक कर रहे हैं। 100 का हमारा टारगेट रहेगा। अगर हम लोग कंपनी का डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पर फंडामेंटल चेक करेंगे। ईयर वाइज कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, कंपनी का नेटवर्थ डाउन हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन हुआ है, जो कि हाई रिस्क माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट लगाएंगे, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे। प्रमोटर के पास 75%, रिटेल इन्वेस्टर के पास 25%, FIDI यहाँ पर कोई भी नहीं है, म्यूचुअल फंड भी नहीं है। अगर हम लोग फुल डिटेल्स में कंपनी को देखते हैं, BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग है। मार्केट कैप बहुत ही कम है, 120 करोड़ का। पी नेगेटिव, बुक वैल्यू से ऊपर से मिल रहा है। हायरो देख सकते हो, डिविडेंड नहीं देता है। ROC पॉजिटिव, ROE नेगेटिव, फेस वैल्यू 10 का है। 414 करोड़ का कर्जा है, लेकिन रिजर्व कम रखा है, एसेट ठीक ठाक है, वॉल्यूम ठीक ठाक, फ्री कैश रखा है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, नेटवर्क पॉजिटिव, डिविडेंड नहीं देता है, डेट टू इक्विटी ज्यादा है। बहुत ही ज़्यादा कर्जा कंपनी के ऊपर नजर आ रहा है। ये भी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम करता है और ये कंपनी 5 नंबर पर आता है। आप देखोगे कंपनी का सेल ग्रोथ पॉजिटिव, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव, CAGR पॉजिटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव, एसेट एसेट में दोस्तों ग्रोथ है, नेट कैश फ्लो माइनस है। तो सारा पैरामीटर देखने के बाद 100 का टारगेट है, लेकिन हाई रिस्क मिनिमम अमाउंट डालकर आपको काम करना है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।